हाय, दिस इज दीपंकर वर्मन एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल, दिस इज वर्मन स्टडी। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिकल लोको सेट में टेक्नीशियन का जॉब प्रोफाइल क्या है। हाँ, जो टेक्नीशियन क्या काम करते हैं, इसका ड्यूटी आवर्स कितना है, क्या क्या काम, कितना शिफ्टिंग ड्यूटी है या जनरल ड्यूटी है, तो इसके बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। मेरे साथ है इस समय इलेक्ट्रिक लोको सेट टेक्नीशियन का रामानंद जी, रामानंद कुमार। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन रामानंद जी। रामानंद जी साउथ ईस्टर्न रेलवे में इलेक्ट्रिक लोको सेट में काम करता है, तो आप उनसे इंटरव्यू लेके आप जिक्र माने बोलेंगे कि क्या काम होता है। तो थोड़ा सा रामानंद जी पहले बोलिए कि आपका पोस्टिंग क्या है, आपका पोस्ट, और थोड़ा सा पहले इंट्रोडक्शन, आप कहाँ से है उसके बारे में। रामानंद कुमार, मैं बिहार से हूँ। अच्छा। और 2017 में हम जो इलेक्ट्रिक लोको सेट में ज्वाइन किए हैं, और ये हम टेक्नीशियन पद पर हैं। टेक्नीशियन पद? हाँ, टेक्नीशियन पद पर हैं। और यहाँ मतलब काम सीखे हैं, मैंने एक दूसरे से साथ में मिलके काम सीखे हैं और अभी और आगे सीख ही रहे हैं। अच्छा। तो रेल तो बहुत बड़ी मतलब एक संस्था है, और जिसमें कि ये इलेक्ट्रिक लोको सेट है। और इलेक्ट्रिक लोको सेट में सिर्फ मतलब लोको के बारे में ही यहाँ मतलब काम होता है। और ये तो मतलब कई सेक्शन में डिवाइड है लोको क्या यानी कार्य का, और उसमें यानी 6 सेक्शन मेन रूप से हैं। और हाँ, और मैं पीपीओ में हूँ, और पीपीओ में मतलब प्लानिंग होता है पूरा लोको का, मतलब शेड्यूल जो होता है, आई थे आई सी ओवरहॉलिंग, आई सी आई बी, आइए जो भी है ये सब। मतलब एक इलेक्ट्रिक लोको सेट में बहुत सारा सेक्शन है, जैसा M5, M6, जैसा E4, E3 TM, E3 ऑक्सिलरी, और PPO बोल के भी है। PPO का काम है जो इलेक्ट्रिकली जो भी टेस्टिंग है, जो प्रीटेस्ट करना, लोगों को फीड देना, प्लानिंग करना। तो आप टेक्नीशियन पोस्ट पर है, तो आप बताइए कि जो टेक्नीशियन होने के लिए एग्जाम देना पड़ता है, तो पहले क्या क्वालिफिकेशन क्या चाहिए उसमें? 10+2 और ITI मिनिमम होना चाहिए, ITI होना चाहिए किसी भी ट्रेड में। हाँ, लेकिन इलेक्ट्रिक लोको सेट के लिए इलेक्ट्रिकल से मेन रूप से होना जरूरी है। हाँ, और इसके बाद जो थोड़ा एग्जाम के बारे में बोलिए कि एग्जाम का पैटर्न कैसा है, उसका सिलेबस क्या क्या? तो अब पैटर्न तो चेंज होते जा रहा है हर बार, तो चेंज होते जा रहा है, मतलब हर एग्जाम में, RRB एग्जाम में कुछ ना कुछ नया नया जुड़ते जा रहा है। हम तो जैसे मतलब 2017 में आए हैं, 14 का ये नोटिफिकेशन था, 14 का नोटिफिकेशन, 17 में ज्वाइनिंग किए हैं। तो उस समय जो है फर्स्ट एग्जाम होता था, और उसमें जो मतलब जैसा मार्क्स आया उसके अनुसार मतलब ये पोस्ट के अनुसार उसका सिलेक्शन होता था, और फाइनली एक ही एग्जाम होता था। अच्छा, अब तो दो एग्जाम हो गया, दो एग्जाम हो गया, ट्रेड हो गया, ये अलग अलग हो गया। आप थोड़ा जॉब प्रोफाइल के बारे में बताइए कि क्या क्या काम करना पड़ता है। पहले बताइए, ये जनरल ड्यूटी है या फिर शिफ्टिंग ड्यूटी होता है? देखिए, टेक्नीशियन का ड्यूटी तो मतलब अलग अलग पोस्ट मतलब अलग अलग जगह में अलग अलग टाइप का होता है। वो ऐसा नहीं है कि एक ही टाइप का है, टोटल टेक्नीशियन एक ही जैसा वर्क होता है, सो नहीं, सबका अलग अलग होता है। जैसे कोई कैरेज है तो उसका अलग है, कोई जनरल इलेक्ट्रिकल में है उसका अलग है, और कोई लोको सेट में है तो उसका अलग है। और लोको सेट में भी अलग अलग जो है सेक्शन है, अलग अलग सेक्शन का अलग अलग कार्य है, अलग अलग मतलब वो पार्ट्स को देखते हैं हम, पार्ट्स को देखते हैं। तो लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक लोको सेट है, यहाँ पर जो दूसरा सेक्शन होता है उन लोगों का जनरल ड्यूटी होता है, लेकिन जो PPO सेक्शन होता है शिफ्टिंग ड्यूटी, ज्यादातर शिफ्टिंग ड्यूटी होता है। एक मॉर्निंग शिफ्ट होता है 6 बजे से 2 बजे तक, 2 से फिर 10 इवनिंग ड्यूटी, या तो फर्स्ट नाइट बोलिए। अब थोड़ा सा जॉब के बारे में बोलिए, क्या क्या काम करना पड़ता है, जो भी टेस्टिंग है, जो भी आपका काम क्या करना है? जैसे कि PPO में ज्यादातर तो टेक्नीशियन का वर्क जो है, ये मोटा मोटी हर सेक्शन का थोड़ा थोड़ा काम जानना पड़ता है, और उसको अटेंड करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। जैसे कि मेरा तो जैसे टेस्टिंग का है, इलेक्ट्रिकल में टेस्टिंग करना लोको में, मतलब जितने भी मोटर हैं वो सब चल रहा है, रिले सब वर्क कर रहा है या ना कर रहा है, अगर नहीं वो कर रहा है तो उसको मतलब टेस्ट फॉर्म में उसको ये रिमार्क करते हैं कि कौन सा क्या प्रॉब्लम है, नहीं है, फिर उसको सेक्शन अटेंड करता है। अगर जो TR गाड़ी है तो उसको हम लोग मतलब सब मिल के करते हैं। हाँ, मतलब बहुत सारे जो भी ICIB IA गाड़ी होता है उसका टेस्टिंग करना, फिर NC गाड़ी होता है उसका भी टेस्टिंग करना, फिर उसका जो भी अगर प्रॉब्लम है कुछ वो सेक्शन को बताना होता है, फिर टेस्टिंग का काम होता है, और
हाँ आप अच्छा आप बोलिए कि छुट्टी छटा माने लीव कितना क्या मिलता है उसके बारे में थोड़ा। लीव LAP तो एक एक साल में 30 को मिलेगा, जो कि 15 फर्स्ट में मतलब एक जनवरी, हाँ 6 महीने के लिए और 6 मंथ अगले में हाँ। फिर 15 मिलेगा, मतलब जनवरी महीने में 15 को आ जाएगा, फिर जुलाई में 15 मिलेगा, 15 को आ जाएगा। और CL एक साल में आपको 10 मिलेगा हाँ। और NH जो है 10 को है, हाँ NH और ANH मिला के 12 को होगा, 12 को है। और 20 जो है हाफ मतलब पेपर मिलेगा 20, और फुल पे होगा वो 10। तो यही लीव मिलता है, लेकिन ओवरऑल जो लोको सेट होता है इलेक्ट्रिक लोको सेट, यहाँ पर ओवरऑल छुट्टी मिल जाता है, मतलब छुट्टी अप्लाई करने से पे जो भी SSC है छुट्टी दे देता है, मैंने मैक्सिमम चांस है कि छुट्टी आपको मिल जाएगा, तो आपका छुट्टी को ये रिफ्यूज नहीं किया जाएगा, मतलब ये नहीं किया जाएगा कि आपको छुट्टी नहीं मिलेगा, अगर ऐसा कंडीशन अगर स्टाफ नहीं है तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ेगा। आप थोड़ा प्रमोशन के बारे में बताइए, क्योंकि फिर टेक्नीशियन 3 से टेक्नीशियन 2 होने में कितना टाइम लगता है, क्या प्रमोशन का क्या स्कोप है? वो पोस्ट खाली आगे कैसा है, वैकेंट कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर वैकेंट है तो आपका जल्दी हो जाएगा, हो जाएगा प्रमोशन, हाँ। अगर नहीं है, फुल है तो टाइम लगेगा थोड़ा सा। मतलब टेक्नीशियन 3 से टेक्नीशियन फिर 2 होना है, 2 से फिर 1 से फिर सीनियर टेक होना है, बाद में फिर सीनियर टेक से आप जब JEE होना है तो एग्जाम देना पड़ता है, एग्जाम देके होता है। तो ओवरऑल प्रमोशन के बारे में भी पता चला। आप लास्ट में तो स्टार्टिंग सैलरी, आप जो C7 पे कमीशन चल रहा है उस हिसाब से आपका जो सैलरी, तो सैलरी कितना बनता है? तो सैलरी वो जगह जगह के ऊपर भी निर्भर करता है, अगर सिटी के बगल में हुआ तो सिटी, जैसे फर्स्ट क्लास सिटी में होगा तो ज़्यादा होगा, ज़्यादा होगा ये भी डिपेंड करता है। तो अप्रोक्सीमेट आसपास कितना फिर बन, मिनिमम तो मान के चलिए 27-28 से ऊपर ही होगा, मतलब आप टेक 3 में ज्वाइन करेंगे तो 19,900 बेसिक होगा हाँ। प्लस उसमें आपको जो वर्तमान में DA चल रहा है वो मिलेगा, उसके बाद TA मिलेगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा, और HRA। तो कुल मिलाकर मतलब आप स्टार्टिंग में जब टेक्नीशियन 3 में आएंगे तो आपका सैलरी 27-28 हज़ार के आसपास बनेगा, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे हर साल 2 बार DA इंक्रीमेंट होता है और फिर बढ़ जाता है और फिर इंक्रीमेंट हो जाता है। मिनिमम उतना, अगर क्वार्टर लेंगे तब, क्वार्टर नहीं लेंगे तो और ज़्यादा होगा हाँ। तो क्वार्टर फिर नहीं लेंगे तो HRA थोड़ा सा और भी बढ़ जाएगा, मतलब 300 रुपये आपको फिर मिनिमम हाँ, मतलब 34-35 थाउजेंड के आसपास तो मान जाएगा। यही था ओवरऑल पूरा टेक्नीशियन 3 जॉब प्रोफाइल के बारे में। आशा करता हूँ जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड किया हूँ आपके लिए हेल्पफुल हुआ है। तो रामानंद जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का वीडियो इतना ही, आप ऐसे ही चैनल के साथ जुड़े रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत अच्छे रहिए, हैव ए नाइस डे, बाय।